Hello everyone in this video I am going to cover Grammarland class 4th. I have already taught you question num chapter number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and the revision paper as well. Today we are going to cover the chapter number 7 okay and that is article. So without further delay let's get started and in this video I am going to cover only the solutions. If you are looking for the proper explanation you can comment below i am always there for you i will try to make a explanation video as well and if you have any doubt regarding that video simply you can comment below i am always there for you and i will try to resolve your queries okay let's get started we are going to start with the first question what is the first question is trying to say actually class i am going to explain in hindi and english as well as so you can you are able to get that okay if I will explain in only English so some are the bear you will feel little bit difficulties right so I am going to tell you explain the answer as well okay in Hindi a question number a what it is trying to say that you also need to open your book class okay so use articles a or n correctly with the nouns अब आपको क्या करना है करेक्ट आर्टिकल्स को यूज़ करना है करेक्टली कौन कौन से आर्टिकल ए और एन को किसके पास साथ नाउन के साथ ओके okay? तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ट्रेन के साथ आपने देखो वो पहले से गिवेन है आर ट्रेन इज ऑलरेडी गिवेन ऑन द बुक राइट सो वी नीड टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर सेकंड ओके सो इन द क्वेश्चन नंबर सेकेंड वी विल यूज़ द एन ऑर्डर ऑन द क्वेश्चन नंबर थर्ड वी विल यूज एन एलिफेंट एंड द क्वेश्चन नंबर फोर वी विल यूज़ द अ फ्लावर And question number five, we will use um, an umbrella. Got that? What I'm trying to say, class? Now we are going for the next question. What the next question is trying to say? Okay, next question. Oh, few questions are already left. So, a shoe, a trick, an ice cream, an aunt, and a kite. In the question number six, a shoe. On the question number seven, a trick. On the question number 8, an ice cream, and in the question number 9, it is an aunt. Okay, and in the question number 10, it is a kite. Question number B, what it is trying to say, we are going to discuss the question number B as well. So in the question number B, uh, let me open the, the drawing. Okay. In the question number B, what we are going to use that it is clearly written that complete the sentence and tick. टू द चूज द करेक्ट आर्टिकल्स ठीक है ना आपको क्या करना है यहाँ पे जो आपका सेंटेंस रीड करना है उसको टिक करना है जो कि करेक्ट आर्टिकल उसके साथ लगे ठीक है ना तो आप आपको देखना है वी विजिटेड आ स्लैश एन फॉर्म दिस वीकेंड तो आप इसमें देखो आपका ये जो क्वेश्चन पहले से आप देखो आपकी बुक पे ये लगा हुआ है आ लगा हुआ है ठीक है ना आप देख पा रहे होंगे ये जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आप इसको देखिए ध्यान से तो ये आपके इसमें पहले से ही लगा हुआ है आप चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को रीड करेंगे तो क्या हो जाएगा कैन यू पास मी एन और द न्यूज़ पेपर प्लीज़ सो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे द न्यूज़ पेपर न्यूज़ पेपर साथ द ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड को चेक कर लेते हैं थर्ड क्या बोल रहा है आ द ग्राउंड इज स्टिल वेट सो इसमें भी क्या यूज करेंगे द ग्राउंड इज स्टिल वेट ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर को चेक कर लेते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर फोर जो है हमारा ये क्या बोल रहा है ही ओनली हैज ए एन एन ऑनर टू गेट रेडी ओके सो ही हैज आवर सॉरी इट्स आवर आई हैव रीड इट इन करेक्टली सो इट इज आवर ओके एन आवर टू गेट रेडी ही ऑनली है जो उसके पास केवल एक घंटा है तैयार होने के लिए ठीक है हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इट इज ट्राइंग टू से डेनियल सॉ आ और एन ईगल इन द स्काई सो विद द ईगल वी विल यूज एन ओके इन द क्वेश्चन नंबर सिक्स आई डोंट नो द एन द और एन आंसर टू क्वेश्चन सो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन ओके इसमें आप दूज कर लीजिए चलिए क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सी हमारा बोल रहा है कंप्लीट दि सेंटेंस विद द करेक्ट आर्टिकल आपको क्या करना है कंप्लीट करना है सेंटेंसो so, को आपको करेक्ट आर्टिकल के साथ ओके okay? तो पहला वाला आपका जो आर्टिकल है वो पहले से ही आपका फिलअप है एक मिनट मैं इसको डिलीट कर दूँ क्लास ये जो पहला वाला आर्टिकल है ये आपका पहले से आपकी बुक में फिलअप है ओवर कोड के साथ आप क्या लगाएंगे एन लगाएंगे मैं आपको केवल सलूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ बता रहा हूँ तो आप इसको देख लीजिएगा ओवर कोड के साथ आप क्या लगाएंगे केवल एन लगाएंगे ठीक है ध्यान रखिएगा इस बात को फिर क्या हो जाएगा वॉक के साथ अब वॉक लगाएंगे आ लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको डिलीट किया दे रहा हूँ देखिए अब वॉक लिखा हुआ है ये जो फोर्थ नंबर है चलिए इसको मैं रीड करके भी आपको बता देता हूँ एक बार सी वॉन्ट टू बाय एन ओवरकूट ओके फिर थर्ड नंबर आप देख लीजिए थर्ड नंबर क्या बोल रहा है आई वेंट फॉर अ वॉक क्वेश्चन नंबर फोर वॉट इट इज ट्राइंग टू से दैट डू यू नो वेयर द लाइब्रेरी इज सो वी विल यूज द शीतल हैज एन आइडिया फॉर द प्रोजेक्ट शीतल के पास क्या है एक आइडिया है किसके लिए प्रोजेक्ट के लिए ठीक है ना बी लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर हम कहां रहते हैं सेकेंड फ्लोर पे रहते हैं ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है एक मिनट इसको हटा देता हूं क्लास हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यहां पर देख लो देर इज एन अर्जेंट नीड टू स्टॉप ईयर एंड लैंड पोल्यूशन यहाँ पे इस एट नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा एट नंबर वाला एक मिनट मैं इसको मार्क करके थोड़ा सा बता देता हूँ आपको एट नंबर वाला जो हमारा हो जाएगा इस पर हम एन यूज़ करेंगे ठीक है क्लियर हो गया आपको चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आइडेंटिफाई द ईरस एंड री राइट दिस सेंटेंस आपको क्या करना है आपने जो आपकी जो ईरर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है जो भी गलतियां हैं और उसको सेंटेंस को सही करके लिखना है देखो मैंने यहाँ पे सेंटेंस करके सही करके लिखा है तो देखो आपको यहाँ पे क्या कर देना है आई थिंक आ रेन कॉज ऑल दिस डैमेज सो आ की जगह आप क्या लगाएंगे इस पर पहले वाले में आ को क्रॉस कर देना है एक मिनट मैं राइटिंग पैड खोल लूँ थोड़ा सा ये देखिए आ जहाँ पे ये हमारा आ दिख रहा है तो आ की जगह आप क्या यूज कर देंगे यहाँ पे द यूज़ कर देंगे ठीक है आपको दा यूज कर देना है ठीक है ये थोड़ा सा राइटिंग अच्छे से नहीं हो पाता है इस पर तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जैसे फर्स्ट वाले में है जो आर गिवन है वहाँ पे आपको दा कर देना फिर दा सन की जगह आस आ सन इज अ स्टार ठीक है क्या कर देना आ सन इज अ स्टार ओके फिर सेली इज एन यूरोपियन गर्ल ठीक है तो इसको एन की जगह क्या कर देना है आ कर देना है ठीक है फोर्थ नंबर पर फिर फिफ्थ नंबर पे क्या कर देना है मधु फिनिश्ड ऑल हर चोस विथ इन एन आवर आ आवर लिखा हुआ है तो आ की जगह आपको क्या कर देना है एन आवर कर देना क्लियर हो गया आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर को देख लेते हैं सिक्स टू कितने क्वेश्चन है हाँ थ्री क्वेश्चन यहाँ पे गिबे है आपके, आपके। देखिए जैसे यहाँ पे सिक्स वाले में क्या है तो एन अम्ब्रेला ऑन द सेल्फ इट्स येलो सो द अम्ब्रेला आपको क्या कर देना है यहाँ पे यहाँ पे आपको द अम्ब्रेला कर देना है ठीक है Somebody is knocking कैन यू ओपन अ डोर नॉट ओपन अ डोर इट विल बी द डोर ओके आपको यहाँ पे क्या राइट करना है द डोर राइट करना है एट नंबर क्या करना है गो स्ट्रेट एंड टेक द फर्स्ट लेफ्ट आ लेफ्ट नहीं टेक द फर्स्ट लेफ्ट लास्ट वाले तीनों में आपको दा कर देना है ठीक है ध्यान रखिएगा इस चीज़ को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं इसको रिमूव कर देते हैं क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए हमारे यहाँ पे गिवन है वर्ड्स हमको दे रखे हैं उसके हिसाब से जो भी आर्टिकल होगा तो आपको वहाँ पे आर्टिकल पेस्ट करके उस वर्ड को रख देना है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक मिनट में अभी बुक को थोड़ा सा ओपन कर लूँ क्लास उसके सामने आपका वर्क गिवेन है ठीक है तो पहला वाला देखिए फर्स्ट वाला दिखा है दैट इज़ आ टेबल मेक ऑफ टीक बुट ठीक है आपको पहला ये तो ये क्लियर है पहले से आप तो पहले ये वाला तो पहले से ही बुक में लिखा हुआ है ठीक है अब हम किसकी बात कर रहे हैं सेकेंड वाले की बात कर रहे हैं कौन से वाले के सेकेंड वाले के तो क्या लिखेंगे द ब्रेड हैज गॉन स्टेल ब्रेड के साथ क्या लगाएंगे यहाँ पे हम दाल लगाएंगे ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं तो इसमें सिक्स क्वेश्चन है टोटल चलिए तो सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं माई सिस्टर वॉन्ट टू बिकम एन आर्टिस्ट क्या बनना चाहती है मेरी सिस्टर एक आर्टिस्ट बनना चाहती है ठीक है यहाँ पे आप क्या लगा देंगे एन आर्टिस्ट ठीक है ये पहले वाले में आपका एन लग जाएगा चलिए दूसरा वाला चेक कर लेते हैं द सन इज अ स्टार द सन जो सन है वो क्या है स्टार है ठीक है द स्टार फिर have you seen an owl? क्या आपने कभी एक उल्लू देखा है एन इस पे फिफ्थ नंबर वाले में एन लगेगा फोर्थ नंबर वाले में द लगेगा ठीक है ध्यान रखिएगा फिर सिक्स नंबर वाले में क्या करना है आपको मिनट नंबर नंबर वाले में वाले में आपको करना है कि एक मिनट रुकिएगा नंबर वाले में आपको क्या कर देना आ बनाना कर देना टू मेक मिल्क शेक यू नीड अ ग्लास ऑफ मिल्क आ बनाना एंड समर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा आ आ जाएगा ठीक है क्लियर हो गया आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है अब देखिए ये आपका पैसेज है ठीक है ना आपको पैसेज मैं रीड करके पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है मैं आपको ये बता दूंगा कि पहले वाले ब्लैंक में क्या होगा ठीक है तो पहले वाले ब्लैंक में आप क्या क्या भरेंगे कैसे भरेंगे आपको ये पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूँगा ठीक है फर्स्ट वाला तो आपको पहले से ही भरा हुआ है चलिए तो जो हमारा फर्स्ट ब्लैंक है उसमें क्या है एन लगा हुआ है ठीक है सेकेंड ब्लैंक एन वो हमारा बुक में पहले से ही गिवेन है जो सेकेंड ब्लैंक है उस पर देखिए यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ सेकेंड ब्लैंक है उसमें दा लगा हुआ है जो हमारा थर्ड ब्लैंक है उसमें क्या लगेगा आ लगेगा फोर्थ ब्लैंक में दा लगेगा और फिफ्थ ब्लैंक में भी हमारा क्या लगेगा दा लगेगा ठीक है फाइव ब्लैंक्स हो गई है हमारे अब हमारा सिक्स जो ब्लैंक है इसमें भी दा लगेगा फिर सेवन्थ ब्लैंक में आ लगेगा फिर हमारा जो एट्थ ब्लैंक है इसमें भी दा लगेगा नाइन्थ ब्लैंक है इसमें भी दा लगेगा जो टेंथ ब्लैंक है उसमें भी दा लगेगा एलेवेंथ ब्लैंक है उसमें भी दा लगेगा ठीक है इलेवेंथ ब्लैंक के बाद जो हमारा ये ट्वेल्थ वाला ब्लैंक है एक मिनट इसको मैं स्क्रॉल कर लूँ थोड़ा जी ट्वेल्थ ब्लैंक है उसमें हमारा क्या लगेगा एक मिनट हाँ जो ट्वेल्थ ब्लैंक है उसमें भी दा लगेगा ट्वेल्थ के बाद थर्टीनथ ब्लैंक है उसमें आ लगेगा फिर थर्टीन के बाद जो फोर्टीनथ ब्लैंक है उसमें क्या लगेगा दा लगेगा और सबसे लास्ट वाले फिफ्टी ब्लैंक में हमारा एन लगेगा ठीक है ना ये आपका प्रॉपर सलूशन रहेगा मैं एक बार इसको डिलीट करके स्क्रॉल करके आपको आपके पास रोक देता हूँ तो आप क्या करेंगे इसके सारे आंसर्स को चेक कर लेंगे ठीक है ठीक है क्लास तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आई होप दैट की दट यू लाइक दैट वीडियो एंड इफ यू लव इट सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज योर वन लाइक ऑलवेज मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़ रिगॉर्डिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू आर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू कैन जस्ट कमेंट बिलो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एंड आई ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व योर क्वोरीज बाय बाईज